प्रिय मां बोन भाइयों बांधुरा मेदिनीपुर पवित्र माटीते आस्ते पेरे निजे के धन्य मने कर भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो ऐसी प्रेरणा भूमि आना इस मिट्टी को नमन करना वो अपने आप में नई प्रेरणा देता है नई ऊर्जा देता है। साथियों गुलामी के कालखंड में भी पश्चिम बंगाल देश के सबसे विकसित राज्यों में सर्वोपरि रहा। अगर मैं हल्दिया पोर्ट सिटी की ही बात करूं तो ये केमिकल पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर फूड प्रोसेसिंग पोर्ट्स और शिपिंग जैसे सेक्टर्स का एक प्रकार से हब रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अन्य राज्यों के बंदरगाह व्यापार कारोबार के बड़े केंद्र बनते चले और पश्चिम बंगाल पीछे रह गया। साथियों पश्चिम बंगाल की स्थिति का सबसे बड़ा कारण है यहां की राजनीति। पहले कांग्रेस ने शासन किया तो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, फिर लेफ्ट का शासन लंबे समय तक रहा, उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार को जोड़ दिया और दोनों की तरफ आगे बढ़े और विकास पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का जर्जर किला ढहने की कगार पर था। उस समय ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया, उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा, लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी निर्ममता का शिकार हो गया। लेकिन ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है और वो भी ब्याज समेत सूद समेत। लेफ्ट का पुनर्जीवन यानी भ्रष्टाचार का पुनर्जीवन, अपराध और अपराधियों का पुनर्जीवन, हिंसा का पुनर्जीवन, लोकतंत्र पर हमलों का पुनर्जीवन। आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ लेंगे वो बौखला जाती, चिल मिला जाती। यहां तक कि भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले इतना भी जहर उगल दे दीदी को गुस्सा ही नहीं आता। इन लोगों ने पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज किया है, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और प्रशासन और पुलिस को पॉलिटिसाइज किया है। बंगाल तृणमूल से ये पूछना चाहता है जिन्होंने नंदीग्राम में गोलियां चलाई थी, जिन्होंने गरीबों का खून बहाया, आप उन्हीं को पार्टी में क्यों शामिल कर रही हैं? बंगाल पूछना चाहता है क्या बंगाल का गरीब क्या केवल वोट लेने के लिए ही है?
सरकार है जो आपदा में भी, मुसीबत के समय भी भ्रष्टाचार के रास्ते खोजती रहती है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इतना बड़ा साइक्लोन आया, चक्रवात आया, इतना कुछ तबाह हो गया, लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसे भेजे उसका इन लोगों ने क्या किया, ये पश्चिम बंगाल के लोग भली भांति जानते हैं। कोरोना के दौरान देश भर के किसानों के बैंक खाते में पीएम सम्मान निधि के तहत हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी तक इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक छोटे किसान परिवारों के बैंक खाते में 1,15,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसमें मुझे दुख के साथ कहना है, इसमें पश्चिम बंगाल के भी लाखों किसान परिवार हो सकते थे, लेकिन यहां के एक भी किसान को ये लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि यहां की सरकार ने इस योजना से जुड़ने से इनकार कर दिया। ममता दीदी की सरकार गरीबों की चिंता से कितना दूर है, इसका एक और उदाहरण केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश के अस्पतालों में 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से भी पश्चिम बंगाल का गरीब मरीज वंचित है। करप्शन और टोलाबाजी तब हटेगी जब यहां असल परिवर्तन आएगा, जब यहां भाजपा की सरकार बनेगी। ये परिवर्तन क्या होता है, ये पड़ोस में त्रिपुरा में हम अनुभव कर रहे हैं। टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं, मिस गवर्नेंस का फाउल, विरोधियों पर हमले और हिंसा का फाउल, बंगाल के लोगों का पैसा लूटने का फाउल और आस्था पर हो रहे हमलों का फाउल। बंगाल के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए अब बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान ने समूचे बंगाल को यह एहसास करा दिया है कि इस बार परिवर्तन होगा।